अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 220, लिफ्ट में अजनबी। नरेन के शॉट के लिए डायरेक्टर ने जैसे ही एक्शन बोला, वैसे ही नरेन ने गहरी सांस लेकर पानी में छलांग लगा दी। लैला कुछ दूर पर ही काफी बेचैनी से हाथ पांव मार रही थी। कैमरे के पास खड़े सारे ही लोग लैला की जबरदस्त और रियलिस्टिक एक्टिंग की तारीफ कर रहे थे। मानना पड़ेगा, लैला रॉय क्या ही जबरदस्त एक्ट्रेस है। इतनी रियलिस्टिक एक्टिंग देखकर कोई कह ही नहीं सकेगा कि एक शूट है। दूसरे ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, वाकई जबरदस्त परफॉर्म कर रही है लैला। जबकि लोगों की बातों से अनजान नरेन तेजी से तैरते हुए उसके पास पहुंच रहा था। लैला पानी में छटपटाती हुई नरेन की तरफ देखते हुए बचाने के लिए चिल्लाई जा रही थी। लैला को ऐसे छटपटाते हुए देखकर एक बार तो नरेन को ऐसा लगा जैसे लैला वाकई में डूब रही हो, इसीलिए वो कुछ और तेजी से हाथ पैर चलाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। यहाँ तक कि जब उसके एकदम करीब पहुँचा तो उसे ये समझते हुए देर नहीं लगी कि लैला शॉट के हिसाब से नहीं बल्कि वाकई में छटपटा रही थी। पानी की गहराई का अंदाजा न होने की वजह से लैला वहाँ पहुँचकर डूबने लगी थी। यहाँ तक कि नरेन जब उसके पास पहुँचा तो लैला की आँखें बंद होती जा रही थी और उसके हाथ पैर भी शांत पड़ने लगे थे। नरेन ने जैसे ही महसूस किया वैसे ही तेजी से आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उस वक्त नरेन के मन में एक साथ दो बातें चल रही थी। पहला तो उसे लैला को डूबने से बचाकर सही सलामत किनारे पर ले जाना था और दूसरा लैला ही लाली है ये राज जानने के लिए कोशिश करनी थी। ये सब सोचते हुए नरेन उसे संभाल कर किनारे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसे साथ में ही एहसास भी था कि अपना शक दूर करने के लिए उसके पास अब कुछ ही पल है। बस यही सोचकर उसने अपना किनारे की तरफ बढ़ना कुछ धीमा किया और एकदम से गोद में उठाई हुई लैला पर एक नजर डाली। लैला बेहोश और बेसुध उसकी बाहों में झूल रही थी। नरेन की निगाहें पर बस ही उसके गर्दन से फिसलती हुई उसके सीने पर आ पहुंची थी। लैला के सीने पर मौजूद चुनरी ने उसके तिल वाले हिस्से को ढांप रखा था। नरेन ने उसे देखते हुए सोचा, बस किसी तरह से अगर ये चुनरी थोड़ी सी यहाँ से खिसक जाए तो मैं अपना शक दूर कर पाऊंगा, लेकिन मैं क्या करूं, दोनों हाथों से तो लैला को ही थाम रखा है। अब ऐसे में इसकी चुनरी कैसे हटेगी और वहाँ किनारे पर खड़े सारे लोग इधर ही देख रहे हैं। अभी वो सोच ही रहा था कि तभी पानी में उसका पैर लड़खड़ाया और वो एकदम से गिरने को हुआ। संभालते संभालते भी वो लैला को बाहों में थामे हुए ही पानी में गिर सा गया। उसने हड़बड़ाकर जैसे ही खड़े होने की कोशिश की वैसे ही उसकी नजर लैला के सीने पर पड़ी। चुनरी वहां से हट चुकी थी और एक काला तिल उसके गोरे सीने पर दमक रहा था। तिल पर नजर पड़ते ही जैसे नरेन को अपने बदन से जान निकलती हुई सी महसूस हुई। उसने किनारे की तरफ कदम बढ़ाते हुए अपनी नजरें लगातार लैला पर जमा रखी थी। इसका मतलब अम्मा और बापू का शक सही था, लैला ही लाली है। सोचते हुए नरेन को ऐसा लग रहा था जैसे उसके सोचने समझने की सारी ताकत खत्म हो चुकी है। वो किसी तरह से लैला को गोद में उठाए हुए किनारे की तरफ बढ़ने लगा। किनारे पर खड़े क्रू के बाकी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर नरेन और लैला के साथ हुआ क्या है, लेकिन जैसे ही उन्होंने पास आते हुए नरेन की गोद में बेहोश पड़ी हुई लैला को देखा तो तेजी से कई लोग नरेन की मदद के लिए आगे बढ़ाए। जल्द ही लोगों ने नरेन के हाथों से लैला को लेकर वहीं नीचे जमीन पर रखा। वहां मौजूद लोगों के बीच से कुछ फर्स्ट एड डिपार्टमेंट वाले लोग लैला को देखने लगे और नरेन वहां से हटकर मेकअप रूम में चला गया। यहां पहुंचकर उसने पास ही रखा ग्लास उठाया और एक ही सांस में सारा पानी पी गया। पानी पीकर उसने गहरी सांस ली और फिर खुद से कहा, मुझे ये बात जल्द से जल्द अम्मा और बापू को बतानी होगी। लैला को फर्स्ट एड के बाद सबने घर छोड़ दिया था। होश आने पर लैला को जब मालूम हुआ कि नरेन ने उसे पानी में डूबते हुए बचाया है तो उसने मन ही मन में कहा, एक बार फिर से नरेन का कर्ज मुझ पर चढ़ सा गया है। मुझे नरेन को शुक्रिया तो कहना होगा, लेकिन क्या बिल्कुल पिछली बार की तरह इस बार भी मुझे पानी में बचाते हुए नरेन को कुछ भी एहसास नहीं हुआ होगा। अगले दिन सब शूटिंग में बिजी थे, तभी नरेन भी वहां पहुंचा, लेकिन वहां लैला को ना देखकर माया से पूछा, लैला मैम आज नहीं आई है क्या? माया ने उसे जवाब दिया, कल उसके साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट होते होते रह गया,
इसीलिए उसे आज यहाँ आने के लिए मना कर दिया है। आज वह रेस्ट कर लेगी तो फिर कल से शूटिंग कंटिन्यू कर लेंगे। ये सुनकर नरेन कुछ सोच में पड़ गया। कल से आज तक वो बस लैला के बारे में ही सोचे जा रहा था। कैसे उसने गांव से यहाँ तक का सफर तय किया होगा, उसे क्या क्या मुश्किलें आई होगी। अपने शॉट के लिए तैयार होते हुए उसे अब लैला के बारे में सोच सोच कर झुंझुलाहट सी होने लगी थी। कल से उसके बारे में अम्मा और बापू को बताने के लिए हिम्मत जुटा रहा हूँ, लेकिन न जाने क्यों हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। हालांकि अगर बापू को सच नहीं बताया और कल को उनके सामने ये बात खुल गई कि लैला ही लाली है, तो एक बार फिर से वो मुझसे नफरत करने लगेंगे, मुझे गलत समझने लगेंगे। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि बापू को लैला की हकीकत जब पता चलेगी तो वो लैला के साथ क्या बर्ताव करेंगे। हे भगवान, इससे तो अच्छा था कि मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि लैला ही लाली है। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तैयार होकर नरेन बाहर निकला तो सामने लैला को देखकर एकदम चौंक सा गया। उसने लैला के पास आते हुए कहा, आप शूटिंग के लिए आ गई लैला मैम, आपको तो माया ने रेस्ट करने के लिए कहा था ना। लैला ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे बेहतर फील हो रहा था इसीलिए यहाँ चली आई कि काम में एंगेज रहूंगी तो जल्दी ठीक हो जाऊंगी। और मुझे तुम्हें कल के लिए थैंक्स भी तो कहना था नरेन। लैला ने नरेन के दिमाग में चल रही उथल पुथल से अनजान होकर कहा तो नरेन बस एक फीकी सी हंसी हंसते हुए बोला, मुझे तो खुद बहुत बाद में पता चला कि आप सच में डूब रही हैं। सेट पर जब लोगों ने देखा कि लैला कल के हादसे के बावजूद भी पूरे जोश से आज भी शूट के लिए आई हुई है तो सारे ही लोग उसका हालचाल पूछने लगे थे। यहाँ तक कि सुहाना ने उसे कहा, मैं तुम्हें कह रही हूँ लैला, आज घर जाकर रेस्ट कर लो, शूटिंग कल कर लेंगे हम लोग, और वैसे भी स्केड्यूल से आगे चल रहे हैं, तुमने पहले ही अपनी बहुत सारी शूटिंग पूरी कर ली है तो उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन लैला ने जल्दी से कहा, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ सुहाना कि मुझे काम करना है, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहकर वो मेकअप रूम की तरफ जाने लगी। नरेन उसे दूर तक देखे जा रहा था, यहाँ तक कि सुहाना ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ, कल से देख रही हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ही लैला की तरफ खोए खोए अंदाज में देखे जा रहे हो। सुहाना ने उसे टोका तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसने जल्दी से सफाई देते हुए कहा, अरे तुम कुछ भी बोलती हो सुहाना, भला मैं क्यों खोए खोए अंदाज में देखूंगा, वो तो बस मैं उसे देखते हुए ये सोच रहा था कि अपने काम के लिए कितनी डेडिकेटेड है लैला मैम, और तुम हो कि कुछ भी सोचा जा रही हो। उसकी इस बात पर सुहाना कुछ शर्मिंदा सी होते हुए बोली, अच्छा ठीक है, सॉरी बाबा, अब जाओ और जाकर अपना टेक दो। कहते हुए सुहाना वहां से चली गई तो नरेन ने एक राहत भरी सांस लेकर मन ही मन में कहा, तुम्हारा शक एक तरह से सही है सुहाना, मैं वाकई से कल से कुछ ज्यादा ही मैम के बारे में सोचे जा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं उनकी हकीकत जानता हूँ कि वो लैला नहीं लाली है। शूटिंग के बाद अभी सब फ्री ही हुए थे कि सबसे एक्सक्यूज करते हुए लैला ने अशोक से कहा, मैं जानती हूँ अशोक साहब कि आपने सबको बहुत ही मान से इनवाइट किया है, लेकिन कल के एक्सीडेंट के बाद तबीयत थोड़ा भीड़ भाड़ में घबरा सी रही है, इसीलिए आई एम वेरी वेरी सॉरी अशोक साहब, मैं रिंकी के बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। लैला के मुंह से सुनते ही अशोक ने जल्दी से कहा, अरे प्लीज लैला मैम ऐसा मत कहिए, अभी आपको बताने का ये मौका ही नहीं मिला कि रिंकी आपसे कितना कनेक्टेड फील करती है, न जाने उसे ऐसा क्यों लगता है कि आप उसके गांव से बिलोंग करती हैं और इसी वजह से आपके बारे में बहुत सी बातें करती है। वो उस दिन आप हमारे घर पे आई थी ना, तो उसने आपको अपनी बचपन की दोस्त के रूप में पहचाना था, आपके जाने के बाद भी वो बार बार यही दोहराती रही कि वो आपको पहचानने में गलती नहीं कर रही, बस यही सारी बातें हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उसकी बर्थडे पार्टी में आएंगी तो उसे बेहद स्पेशल फील होगा, प्लीज पार्टी में आने के लिए मना मत कीजिए लैला मैम। अशोक ने कुछ इस तरह कहा तो सारे ही लोग अशोक की बात पर हामी भरने लगे, जबकि नरेन ने जैसे ही बात सुनी कुछ चौंक सा गया। आखिर अशोक सर के इस बात का क्या मतलब है कि अशोक सर की वाइफ लैला मैम से कनेक्टेड फील करती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि लैला मैम उनकी बचपन की दोस्त हैं। इस सवाल ने उसे सोचने पर एक बार फिर से मजबूर कर दिया था, शायद एक और कड़ी थी जो लैला को लाली साबित करने वाली थी। सबसे इतना जोर देने पर लैला को अशोक के यहाँ जाने के लिए हामी भरनी ही पड़ी।
हालांकि उसने सोचा था कि कल वाले इंसिडेंट का बहाना बनाकर वो रिंकी का सामना करने से बच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लैला ने स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। घर पहुंचते ही मारिया से कहा, मारिया आज हमें फिर से शॉपिंग के लिए जाना पड़ेगा। मारिया ने चौंकते हुए पूछा, वो क्यों? तब लैला ने उसे रिंकी के बर्थडे में जाने के बारे में बताया। मारिया उसके लिए कॉफी बनाते हुए बोली, अच्छा है, कल मैं कुछ सामान लाना भूल गई थी, आज वो सारी चीजें भी ले लूंगी। कुछ ही देर में दोनों मार्केट में मौजूद थी। मारिया एक ग्रोसरी स्टोर में चली गई थी, जबकि लैला वहीं एक ब्रांडेड शोरूम में आ गई थी ताकि रिंकी के लिए कुछ खरीदा जा सके। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो रिंकी के बर्थडे के लिए क्या खरीदे। यही सोचती हुई उसने उस शॉप की तीनों फ्लोर छान मारे। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने एक सेल्स गर्ल से ही पूछ लिया, एक्सक्यूज मी, बर्थडे गिफ्ट के लिए क्या क्या आइटम्स होंगे यहाँ पर क्लोथिंग के अलावा? लैला का ये पूछना था कि सेल्स गर्ल उसे पहचानते हुए बोली, अरे लैला रॉय, आप तो मशहूर एक्ट्रेस लैला रॉय है ना, मैंने आपकी फिल्में देखी हैं। लैला ने जैसे ही उसे बोलते हुए सुना वैसे ही जल्दी से उसे खामोश रहने का इशारा करते हुए बोली, यहाँ पर मेरी पहचान जाहिर मत करो। अभी वो कह ही रही थी कि तभी उसकी नजर कुछ दूर पर खड़ी जेनी पर पड़ी। वो ब्राइडल ड्रेस वाले सेक्शन में अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी। हे भगवान, ये यहाँ पर भी, मुझे जल्द से जल्द गिफ्ट लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि ये मुझे देखकर फिर कोई ताना देने लगे। सोचते हुए वो एकदम से दूसरी तरफ मुड़ गई, जबकि सेल्स गर्ल ने उसे पुकारते हुए कहा, मैम फिफ्थ फ्लोर पर कुछ इम्पोर्टेड वॉचेस और हैंडबैग्स का कलेक्शन है, आप वहाँ जाकर देख सकती हैं। सेल्स गर्ल की बात सुनकर लैला ने एक चैन की सांस ली और तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। वो वैसे भी अब इस फ्लोर पर एक भी पल रुकना नहीं चाह रही थी। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला और वो अंदर पहुंची तो एकदम से उसके कदम लड़खड़ा से गए। उसने झुककर देखा तो उसकी दाहिने पैर की सैंडल की स्ट्रिप टूट चुकी थी। तब तक लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका था। उसने हैंडबैग में लटकी सेफ्टी पिन निकालकर खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, इसे भी अभी टूटना था, सारी मुसीबतें एक साथ ही भेज दो ना भगवान जी, ऐसे किश्तों में परेशान करके क्या ही मिलेगा आपको। कहते हुए वो वापस झुकी। तब तक लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका था। उसने स्ट्रिप को जैसे तैसे सेफ्टी पिन के सहारे टेम्पररीली फिक्स कर लिया था, लेकिन जैसे ही वो खड़ी होने को हुई अचानक से लिफ्ट झटके खाती हुई रुक सी गई। लिफ्ट की मेन लाइट बंद हो चुकी थी और कहीं से एक हल्की रोशनी दिख रही थी। उसी रोशनी में लैला ने देखा कि लिफ्ट में वो अकेली नहीं थी, उसके साथ कोई और भी मौजूद था। लैला के मुंह से एक घुटी घुटी सी चीख निकली। आखिर लैला ने लिफ्ट में किसे देखा? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।